तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है कचालू रेसिपी, जो कि बड़े टेस्टी होते हैं, खाने में इतने अच्छे लगते हैं। कचालू बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे उबले हुए कचालू, और ये उबले हुए कचालू हैं, और ये इमली है जो कि मैंने पानी में भिगो दिया इसको। ये नमक है, सेंधा नमक, ये जीरा है, और ये अजवाइन है, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये काला नमक, और ये पुदीना पाउडर है, और ये इमली है साबुत, ऐसे रखी हुई है मैंने, जितनी चाहिए ले लेना। और यहाँ पे धनिया और नींबू पड़ा हुआ, और हरी मिर्चें धो ली हैं मैंने, इनको मैंने पीसना है अभी। गर्म होने दो, अब जीरा डाल दिया मैंने। आपको जीरे को थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद पीस लेना है। जीरा भून चुका है। अब इसको मैं चकले पे रख रही हूँ ऐसे। अब इसको ठंडा होने तक फिर पीसूंगी इसको मैं, जब ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा, गर्म नहीं पीसा है, फिर स्वाद ना कड़वा हो जाता है। जीरा ठंडा हो जाए तो आपको उसका पाउडर बना लेना है ऐसे। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, जीरे का पाउडर बना लिया मैंने। अब इसको मैं कोली में डाल देती हूँ थोड़ा सा ना, ये डाल दिया मैंने इसको। जैसे जीरे को पीसा है, अब अजवाइन को भी ऐसे ही पीसना है गर्म करके तवे पे डाल के। अजवाइन भून चुकी है, अब आपको इसको पीसना पड़ेगा। इसको डाल देते हैं इसमें, वो ठंडा होने के बाद ही पीसना है। अब अजवाइन ठंडी हो चुकी है, अब इसको ऐसे पीस लीजिए, बस थोड़ी सी बारीक हो जाएगी जब, तो फिर आप उसको जीरे वाले पाउडर में ही डाल देना, मिक्स कर लेना। अजवाइन को भी जीरा पाउडर में मिक्स कर देते हैं ऐसे, ये मिक्स हो गया पाउडर सारा। तो हम धनिया को पीस लेते हैं, धनिया पीस चुका है, अब इसमें हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ। कचालुओं को मैंने छील के इनको काट लिया हुआ है, अब इसको मैं डोंगे में डाल देती हूँ। अब इन कचालुओं में सेंधा नमक डाल लो थोड़ा सा ना। अब इसके बाद काला नमक थोड़ा सा डाल दिया मैंने। अब इसके बाद जीरा और अजवाइन का पाउडर डाल दिए, स्वाद अनुसार डाल लीजिए अपने हिसाब से, और ये मिर्च पाउडर। अब जो धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था ना, वो तो वो डाल लेते हैं ऊपर से। तो इमली का पेस्ट बनाया हुआ मैंने, तो वो डालना है इसको। ये देखो, डाल दिए सारा। अब ये सूखा हुआ पुदीना पाउडर ये भी डाल सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने डाल दिया इसको, मेरे पास बना पड़ा हुआ था। तो नींबू का जूस डाल लेते हैं इसमें थोड़ा, और कचालू रेडी है खाने के लिए। और अब आपके स्वादिष्ट और चटपटे कचालू रेडी हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।